हेलो तो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल जी टेक्निकल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो पर अपना लोगो लगाना चाहते हैं, वो भी अपने आप लग जाएगा आपके हर वीडियो में। मैं ऐसी एक सेटिंग बताने जा रहा हूँ, वो न्यू ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान सकते हैं। यानी आप बार बार आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में नहीं, आप अपना हर वीडियो जब भी बनाते हैं उसमें आप लोगों को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह झंझट करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप फ्रेंड्स ऐसा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही ऐसी ही नॉलेज और टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यह सजेशन कर रहा हूं कि आप अपना लोगो कैसे डाल सकते हैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में, पुराने भी वीडियो में ऑटोमेटिक ही आपका लोगो शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यह करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि वो शो कैसे करेगा। आप अगर बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाते हो, उनका वीडियो देखते हो, तो उनके वीडियो में शो करता है, तो फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक ही करेगा। जैसे मेरा वीडियो आप अभी भी जो चल रहा है उसी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इसको, ऐसा जो रोटेड है, ये एक मेरा ही वीडियो है, यहाँ पर ऐसे में आपका वह लोगो नहीं देखेगा। यह मैं आपको बता दूँ, इसको आप रोटेट यहाँ से क्लिक करिए, रोटेट करिए और यहाँ से आपके वीडियो कमेंट स्टार्ट करना ना कर भूलें दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर देखिए आप लास्ट में ये कोने में जो दिख रहा है, ये लोगो ऑटोमेटिक ही आया है, तो आपको ऐसा ही करना है, ऐसे ही आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पर खोलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र के होम पर जाते हैं और यहाँ पर आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब के होम पेज पर जाते ही आपको यहाँ पर, अगर आपका डेस्कटॉप साइट मोड नहीं है तो डेस्कटॉप साइट मोड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका कंप्यूटर टाइप का हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपने चैनल पर क्लिक करना है, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। और इसके बाद आपको चलना है यहाँ पर, यह स्टूडियो बीटा जो खुल गया है, जो न्यू आया है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। ये सेटिंग आपको जो दिख रही होगी ये कोने में, ये इस सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको चैनल्स पर करना है क्लिक। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसको साइड कर दीजिए, यह ब्रांडिंग है आपकी, यह एक ब्रांड कहलाती है। जैसे आप अगर बड़े यूट्यूबरों का देखोगे तो उनका एक लोगो दिखता है, तो वो लोगो से ही आधे से ज़्यादा लोग उनको पहचानते हैं, वही आपकी ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग पर क्लिक करना है, इसके बाद यह कुछ आपको सजेशन देगा, तो आप पढ़ना हो तो पढ़ें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 150 पिक्सल का आपको 1 MB का एक लोगो आपको अपलोड करना होगा। चूज़ आ इमेज, यहाँ से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा और यहां से अपलोड करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा और आपके हर वीडियो में यह शो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी ही नॉलेज और टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हुई सॉल्व और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका भी सलूशन मैं बताऊंगा। और आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपका सलूशन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड ब्लेस यू।